जय हिंद साथियों। दोस्तों एक और बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए, जिसमें सिंचाई विभाग में दोस्तों लगभग 14,000 के समथिंग में जो पद हैं इन पर भर्ती आने वाली है। इसके लिए विभागीय स्तर पर जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। तो सिंचाई विभाग दोस्तों एक बार फिर से 14,000 पदों पर मौका देने वाला है। ये सरकारी help.com की तरफ से अपडेट जारी की गई है। तो सिंचाई विभाग में लगभग 10,000 प्लस यानी कि लगभग 14,000 के आसपास बड़ी भर्ती आएंगी और इसमें 10वीं पास जो उम्मीदवार हैं उनको योग्यता दी जा सकती है। तो सिंचाई विभाग में आप लोग यदि भर्ती की तलाश कर रहे हैं, जो बेरोजगार युवा हैं इनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रुप सी की 14,000 से अधिक पदों पर जो बम्पर भर्ती है वो जारी की जा रही है। ठीक है, आप भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग में भारी पदों पर बहुत जल्दी दोस्तों ये वैकेंसी निकल के आने वाली है। ठीक है ना, सूत्रों के अनुसार सिंचाई विभाग में समूह ग के 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद आरंभ कर दी गई है। तो देखना होगा कि कितना समय और ये लेती है भर्ती। देखिए, विभाग में खंडीय मंडलीय तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय सेवर्ग के लिपिकों के अलावा सीचपाल, सीच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी तथा नलकूप चालकों के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में से बड़े पदों पर दोस्तों रिक्त पद खाली हैं जिन पर जल्द नियुक्तियां होनी है। विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह है और समूह गए के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उसे शासन के पास में भेजा जा सके। तो सिंचाई विभाग में होगी बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। समूह और समूह के पदों का जुटाया जा रहा ब्यौरा तो आप लोग सामने देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी दोस्तों अपडेट है ये। 18 से 40 वर्ष इसमें जो आयु है वो रखी जाएगी। ठीक है, इसमें उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की छूट दी जा सकती है। ठीक है, तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। सिंचाई विभाग की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी, मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार की जाएगी और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसका इंतजार करना होगा। सिंचाई विभाग की दोस्तों बात करें तो 20,200 रुपये से लेकर इसमें 56,900 रुपये तक जो मासिक सैलरी है वो दी जा सकती है। देखिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पहचान पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं, ठीक है ना, 12वीं, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मांगे गए अन्य दस्तावेज आप लोगों को चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। उसके पश्चात आपको यूपी सिंचाई विभाग ग्रुप सी ऑनलाइन क्लिक करके, ठीक है ना, फिर आपके सामने विभाग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आवश्यक जो जानकारी है वो पूरी दर्ज करें, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है, अपने फॉर्म का आप लोग प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रिंट आउट अभी नहीं आया है, प्रिंट आउट तब आएगा जब आपको फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फॉर्म फिल तब होगा जब वैकेंसी पूरी तरीके से आ जाएगी। तो देखिए, जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी ना, आप लोगों को इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल बता दिया जाएगा। फिलहाल सतर्क किया जा रहा है आप लोगों को कि आने वाले समय में सिंचाई विभाग भी 14,000 पदों पर वैकेंसी जल्द लेकर आने वाला है। देखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर भी ये बात का बोल रहा है, ठीक है ना, तो ये हम वेबसाइट जो है ये भी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी दोस्तों रियल जो अपडेट है वो भी मिलती रहती है। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए, आने वाले समय में वैकेंसी जरूर आएंगी। जय हिंद।